आफू विरुद्ध लेप्चा समुदायद्वारा सुरु गरिएको धर्नाको तीन दिनपछि आज बोले कालेबुङ जिल्लापाल डाक्टर विश्वनाथ। तिनले भने, मैले कुनै त्यस्तो गाली अभद्र व्यवहार गरेको छुइन। रुम्देन लेप्चा एकजना बोर्डका कर्मचारी हुन्। उनी विरुद्ध विभागीय पक्षबाट शिकायत आएको थियो। त्यसै विषयमा मैले सम्झाएको मात्र हुँ। मैं जो है किसी के साथ गाली गलौज क्यों करूंगा, ये बात एकदम जो है उचित नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो मिस्टर रुदेन लेप्चा का मैटर आया है नोटिस में, ये जो है लेप्चा बोर्ड में एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई के हिसाब से मुझे स्टेट से इंस्ट्रक्शंस मिला था कि उनके अगेंस्ट में कुछ इश्यूज हैं, आप उसको देखो। तो हम लोगों ने उनको बुलाया, पूछा कि भाई, मेरा वर्जन यही था कि आप के अगेंस्ट में इशू है, आप सुधर जाइए। मैंने वार्निंग दिया, वर्बल वार्निंग दिया, नहीं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन शुरू होगा। ये इंडिविजुअल मैटर है, ये कम्युनिटी मैटर नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन है जिसको गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी मिल रही है तो वो एक सर्विस कंडक्ट में आता है, एक परव्यू में आता है, एक डिसिप्लिनरी मैटर बनता है। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं है इस मैटर में। देखिए, वो लेप्चा बोर्ड के चेयरमैन है, बहुत सारा डेवलपमेंट के इशू लेकर के आए, वो आए थे हमारे पास और हम लोगों का रेगुलर मीटिंग होती रहती है। और लेप्चा कमिटी का जो डेवलपमेंट है बोर्ड के थ्रू हो रहा है, वो उसमें हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट का इंस्ट्रक्शन है कि टॉप प्रायोरिटी देकर के काम किया जाए। इस चीज को मुलाकात हुई और मैं हम लोगों ने चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट किया कि आपका एक एम्प्लॉई है, इस तरीके से स्टेट से इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है, आप भी देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं, बाकी इसका जो भी है कानूनी कार्रवाई या जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जो जिस पर्सन को सैलरी मिल रही है उस पर्सन के ऊपर तो कंडक्ट तो होगा ना। सर, ये भी आरोप लगा है कि बोर्ड में आपका डीएम से बहुत हस्तक्षेप हो रहा है। नहीं, देखिए, जो सर्टेन प्रोटोकॉल है किसी चीज में, डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एज प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो उसमें रोल होता है। कोई का इसमें जो है जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं डीएम को देखने का, वो एज पर नॉर्म्स देखे जा रहे हैं। कोई जो है अगर इशू कुछ भी अगर आप लोगों के नोटिस में, तो आप हमें बताएं कि इस चीज में स्पेशल जो है जो अदर देन कानून से के अलावा अगर कोई इशू देखने की बात किया जा रहा है, तो आप लोगों के नोटिस में, तो आप हम लोगों को संज्ञान में लाइए कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी नोटिस में तो नहीं है, हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं बिटवीन बोर्ड के चेयरमैन हैं या अदर जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, सारे बोर्ड के साथ उनका रेगुलर मीटिंग भी हम लोगों के साथ होती है। उनके काम और उनका जो फाइनेंशियल मैटर होता है उस पर भी जो डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शंस होता है हम लोग उसी के अनुसार काम करते हैं। इसके अलावा कोई चीज का जो है स्पेशल इसमें कुछ नहीं है। सर, रुम्देन लेप्चा और जो धरने पर बैठे हुए लेप्चा समुदाय, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे मैसेज यही देना चाहिए कि कालिम्पोंग के जितने हमारे भाई हैं, हम लोगों ने नया डिस्ट्रिक्ट हुआ, काम किया गया, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है अगर वो सैलरी पेड है तो उसको अगर अनुशासन की बात की जाए तो उसको कम्युनिटी से जोड़ना मुझे मेरे अनुसार उचित नहीं लगता है। तो मेरा यही सब लोगों से, सारे कालिम्पोंग के लोगों से यही है कि देखिए, ये मैटर अगर कुछ लोग इस तरीके से अपने उनका अपना क्या इशू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मेरा यही है सबके लिए कि कालिम्पोंग के लोगों की बेहतरी हो, सर्विसेज टाइम से लोगों को मिले, पब्लिक ग्रीवेंसेस मिले, जैसा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैडम का भी हम लोगों के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है कि सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस, इवन मैडम का जो है सीएमओ से जो पोर्टल है पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल से, कोई भी टाइप का जो ग्रीवेंसेस होगा उसको इमीडिएट सॉल्व किया जाएगा। तो हमें स्टेट से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ग्रीवेंसेस के, हम लोग उसको टाइम से रिड्यूस कर टाइम से उसको सॉल्व करते हैं और लोगों को उसको जो है बेनिफिट मिले। और हम लोग यही इंश्योर करेंगे कि पब्लिक को सारी जो सुविधा है, सहूलियत है, वो सबको मिले कालिम्पोंग में। यही मेरी जो है लोगों से अपील है कि उनको जो अगर किसी की कोई सुविधा मिलने में असुविधा हो रही है तो हम लोगों के साथ बात करें, हम लोग दे भी रहे और उसको ज्यादा इफेक्टिव रूप से प्रोवाइड करेंगे। सर, रुम्देन लेप्चा क्या सर पार्टी में इन्वॉल्व रहे कि क्या कुछ काम कर रहे हैं ऐसे आपने 25 तारीख को? नहीं, ये सब चीज मैटर मेरे नोटिस में नहीं है ना, मैं ये सब क्यों मैं बोलूंगा, इट इज नॉट माई परव्यू। मेरा यही है जो इंस्ट्रक्शन मिला था कि
एज सैलरी पेड कोई भी पर्सन हो सकता है, इज नॉट मैटर ऑफ द कम्युनिटी, इट इज मैटर ऑफ द इंडिविजुअल। उनका क्या वो है उसको हम लोग देख रहे हैं, अलग इश्यूज है उसका नहीं, बट ये मैटर जो आप लोगों के थ्रू मुझे जानकारी मिली है ये जो है सरासर ठीक नहीं है। नहीं जिसको देखिए हम लोग तो हम लोगों को आपको बोला कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैडम का जो अभी पब्लिक रिड्रेसल सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, अगर डीएम के पास कोई लोग का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आके मुलाकात करके बातचीत लोग कर ही सकते हैं किसी भी इशू पे।